Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference between who am I and who I am. Friends, na sirf comment box mein balki classroom mein bhi bahut sare students ye sawal poochte hain ki kya fark hai who am I ya who I am or what have you eaten ya what you have eaten. Kai baar aapko friends aise sentences dekhne ko milta hai jahan कई बार क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आता है और कई बार आप ऐसे भी सेंटेंसेस देखते हैं जहां क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं वर्ड के बाद एक प्रोनाउन आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस लेसन को गहराई से सीखते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बात समझना होगा यह क्या है। चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड लिखा है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं एक क्वेश्चन वर्ड लिखा है और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है, हो सकता है आप सोचें ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या होता है, या हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं, ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब है और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लेक्सिकल वर्ब या लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको यहां डिटेल से जानकारी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है और उसके बाद लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेस से सवाल पूछा जाता है, जैसे Who am I? मैं कौन हूं? तो इसका जवाब हो सकता है You are my uncle, आप मेरे चाचा हो, या You are आलम, आप आलम हैं, या You are my teacher, आप मेरे अध्यापक हो। तो फ्रेंड्स, जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आता है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस से हम सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि यहां आपने देखा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा एक सेंटेंस मिल जाए जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हो या कोई लिंकिंग वर्ब लिखा हो, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां एक लिंकिंग वर्ब आया हुआ है, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस से सवाल नहीं किया जाता, यानी इस तरह के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव नहीं होते हैं और इनसे सवाल नहीं होता है, बल्कि तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव नहीं होते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेस से सवाल पूछने का काम नहीं किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, आइए इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। Who am I? मैं कौन हूं? मैं किसी से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? तो वो जवाब देगा You are my father, you are my uncle, you are my teacher, या You are his son, हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं She knows who I am, इसका मतलब हुआ She knows, वह जानती है Who I am, मैं कौन हूं, यानी यहां मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वह जानती है कि मैं कौन हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसके दो दो सेंस निकलते हैं। पहला, जो आप जानते हैं, यानी अगर हु लिखा है तो कौन, व्हाट लिखा है तो क्या, व्हेन लिखा है तो कब, वेयर लिखा है तो कहां। लेकिन दूसरा सेंस, अगर हु लिखा है तो जो, व्हाट लिखा है जो, व्हेन लिखा है जब, वेयर लिखा है जहां। जैसे पहले हम इसका कॉमन मीनिंग देखते हैं। शी नोज हु आई एम, वह जानती है मैं कौन हूं। फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह जानती है जो मैं हूं, यानी जो मैं हूं वह इस बात को जानती है। हो सकता है फ्रेंड्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, डोंट वरी, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आपको बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए। वेयर हैज सी गॉन,
यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका मीनिंग हुआ वह कहाँ गई है। मैं किसी से सवाल कर रहा कि वह कहाँ गई है, यानी मैं जवाब चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ यहाँ गौर कीजिए, आई नो वेयर सी हैज गॉन, इसका मतलब हुआ मैं जानता हूँ वह कहाँ गई है। यानी फ्रेंड्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है तो फिर वह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता। आप देखिए यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्रोनाउन के पहले हैज आया है, जबकि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है। और आप ये भी देख सकते हैं लास्ट में फुल स्टॉप है। आइए फ्रेंड्स देखें कि इसका मीनिंग क्या है। वेयर हैज शी गॉन, वह कहाँ गई है, जबकि इसका सेंस है आई नो वेयर सी हैज गॉन, मैं जानता हूं वह कहाँ गई है। फ्रेंड्स यहां मैं किसी से पूछ नहीं रहा कि वो कहां गई है, बल्कि मैं बता रहा हूं कि मुझे पता है वो कहां गई है। इस बात को फ्रेंड्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं जानता हूं जहां वो गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसके दो दो मीनिंग निकलते हैं। अगर वेयर है तो कहां और जहां दोनों का सेंस देता है, अगर व्हेन है तो कब और जब दोनों का सेंस देता है। तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, आई नो वेयर सी हैज गॉन, मैं जानता हूं जहां वो गई है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैं जानता हूं वह कहां गई है। टेल मी व्हाट हैव यू कुक्ड, मुझे बताओ आपने क्या पकाया है। यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया और मैं आंसर का वेट कर रहा हूं कि बताइए क्या पकाया है आपने। और आपको कुछ कहना होगा कि मैंने सब्जी पकाया है या फिर मैंने खीर पकाया है। और आप यहां देख भी सकते हैं यहां किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स जहां यहां गौर कीजिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आया है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आया है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो और हेल्पिंग वर्ब नाउन या प्रोनाउन के बाद में आए तो फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। कैसे? आइए इसका मीनिंग देखते हैं। आई नो व्हाट यू हैव कुक्ड, मैं जानता हूं आपने क्या पकाया है। फ्रेंड्स मैंने यहां क्या जरूर बोला, लेकिन मैंने किसी से क्वेश्चन नहीं किया और आपको भी आंसर देने की जरूरत नहीं है। कैसे? एक बार और सुनते हैं, मैं जानता हूं आपने क्या पकाया है। फ्रेंड्स जरा गौर से सोचिए, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, टेल मी व्हाट हैव यू कुक्ड, मुझे बताओ आपने क्या पकाया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ जवाब देना पड़ेगा, आपको कुछ कहना पड़ेगा? जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे मैं आपकी तरफ देखता रहूंगा, यानी मैं जवाब का वेट करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ आई नो व्हाट यू हैव कुक्ड, यानी मैं जानता हूं आपने क्या पकाया है, तो क्या आपको यहां कुछ बोलने की जरूरत है, या क्या मैं आपसे कोई जवाब चाहता हूं? नहीं, यहां वो बात मुझे पता है कि आपने क्या पकाया है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और आप यहां पर एक बात और गौर कर सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेज में अगर व्हाट लिखा है तो व्हाट का दो मीनिंग होता है, फर्स्ट क्या और दूसरा जो। तो आप यहां पर जो भी बोल सकते हैं, आई नो व्हाट यू हैव कुक्ड, मैं जानता हूं जो आपने पकाया है, यानी जो आपने पकाया है मुझे पता है, मैं जानता हूं। जब इस तरह के सेंटेंसेस जहां क्वेश्चन वर्ड आते हैं और उसके ठीक बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड के एक नहीं दो दो मीनिंग होते हैं। Who are you? आप कौन हैं? Friends, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? अरे भाई जवाब दीजिए, आप कौन हैं? आपने देखा friends कि मैंने पूछा आप कौन हैं,
तो आपने बताने की कोशिश किया कि आई एम राहुल, माई सेल्फ रीता। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। आई नो हु यू आर, यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। और जब आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड हो और उसके ठीक बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो और फिर हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, यहां सवाल नहीं पूछा जा रहा। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। ऑल नो हु यू आर, सब जानते हैं तुम कौन हो, यानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि तुम कौन हो। और फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु का मीनिंग कौन के जगह पर आप जो बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं सभी जानते हैं जो तुम हो, यानी जो कुछ भी तुम हो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक खास बात आपको बताऊं। फ्रेंड्स, जब हु या विच के पहले कोई नाउन आता है, यानी जब हु या विच के ठीक पहले कोई नाउन आता है, तो हु और विच का मीनिंग जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हु लिखा है और हु के ठीक पहले एक नाउन लिखा है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है फ्रेंड्स कि कहीं हु लिखा हो और उसके ठीक पहले एक नाउन आ जाए, तो हु का मीनिंग जो होगा, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, इसका मीनिंग हुआ जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। यहाँ द बॉय हु का मीनिंग हुआ जो लड़का। उसी तरीके से फ्रेंड्स, द लीडर हु, आप देख सकते हैं हु के पहले एक नाउन आया हुआ है, तो जब हु या विच के ठीक पहले एक नाउन आ जाए, तो हु या विच का हिंदी सेंस होगा जो। द लीडर हु इज स्पीकिंग इज अ चीटर, जो नेता, द लीडर हु मींस होता है जो नेता बोल रहा है वह एक धोखेबाज है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ द बुक विच का क्या मीनिंग हुआ, पूरा बात हुआ द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो किताब मेज पर है वह मेरा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि जब हु या विच के ठीक पहले कोई नाउन आ जाए, तो हु और विच का हिंदी सेंस जो होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने लिखा है माइन और माइन का मतलब होता है मेरा। आमतौर पे स्टूडेंट समझते हैं कि माई मीन्स मेरा होता है, सही बात है, माई मीन्स मेरा होता है, लेकिन फ्रेंड्स माइन मीन्स भी मेरा होता है। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि योर मीन्स आपका होता है या तुम्हारा होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं योर्स का मतलब भी आपका या तुम्हारा होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं आवर्स मीन्स हमारा होता है, लेकिन फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं कि आवर्स का मतलब भी हमारा होता है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि देयर मीन्स उन लोगों का होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि देयर्स का मतलब भी उन लोगों का होता है, यानी जो मीनिंग माई का होता है वही मीनिंग माइन का, जो मीनिंग योर का वही मीनिंग योर्स का, जो मीनिंग अवर का वही मीनिंग अवर्स का, जो हिज का वो हिज का, जो हर का वो हर्स का, जो देयर का वो देयर्स का। लेकिन फ्रेंड्स, मीनिंग तो इनके सेम है, लेकिन यूज सेम नहीं है, इनका यूज बहुत डिफरेंट है। जहां माई का यूज करेंगे वहां माइन का यूज नहीं हो सकता, और जहां योर का यूज हो सकता है वहां योर्स का यूज नहीं हो सकता, जहां अवर का यूज होगा वहां अवर्स का यूज नहीं होगा, जहां हर का यूज होगा वहां पर हर्स का यूज नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई में समझ में आया, तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताएं ऑल नो व्हाट यू हैव स्टोलन का क्या मीनिंग है, यानी आप इस सेंटेंस से क्या समझते हैं। आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इंतजार करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।